गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं न्यू कराची, वहाँ हम आपको रिव्यू देंगे न्यू पुलाव का। हमें किसी ने रिक्वेस्ट की, मुबीन भाई ने मुझे सजेस्ट किया है कि वहाँ का पुलाव आप सिर्फ खाओ, बहुत लेवल। तो मैं जाके चेक करूँगा कि वो पुलाव कैसा है और आपको उसका रिव्यू देंगे, जेन्युइन रिव्यू। जो उसका एक्चुअल रिव्यू होगा वो आपको देंगे, रियल रिव्यू। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्लू रिबन के साइड पे हमारे आगा भाई को पिक करने का मतलब, क्योंकि आज है 400वां मुहर्रम, तो आज रास्ते सारे बंद हैं। बट हमारे पास, मैं ऑफिस जाता हूँ डेली, तो मेरे पास ऑफ नहीं होता, तो आज हमारी छुट्टी है, तो मैं सोचा आज ब्लॉक कर लें। तो मैंने आगा भाई से रिक्वेस्ट की है कि वो आ जाएं, तो हम उनके साथ जाएंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ब्लू रिबन और आगा भाई को लेंगे, वो अपनी बाइक पर आएंगे। और आज हम जा रहे हैं बाइक पर, क्योंकि गाड़ी का कोई पता नहीं, रास्ते बंद होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं पता। तो मैं यहाँ से बाइक पे जा रहा हूँ, वो बाइक पे आएंगे वहाँ पर, और फिर हम वहाँ से निकलेंगे न्यू कराची। तो गाइस, इस वक्त मैं वेट कर रहा हूँ लसबेला पे, हमारे आगा भाई जो हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। ब्लू रिबन पे बहुत जाम था, सारे रास्ते बंद थे, तो मैंने उनको कहा है वो यहाँ पर आ जाए। तो अब लो भाई, आगा भाई आ गए हैं भाई। तो अब हम निकलते हैं न्यू कराची की तरफ। वेट किया बंदे का, नाम लिया, बंदा हाजिर है। खैर, हमारे भाई का चैनल भी चेक करें, आगा साथ के नाम से यूट्यूब पे, तो उनको भी चेक करें एंड एंजॉय करें। हाँ, तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं पुलाव। अच्छा, तो मेरे साथ मौजूद है आगा भाई। यार यहाँ पे आए पुलाव खाने, देख के हैरान हूँ कि मतलब कि रश है अभी भी संडे का दिन, आज चैनल तो आप ये मैं देख के हैरान हूँ। भाई मैं आगे चेक करेंगे और आपको उसका जेन्युइन रिव्यू देंगे कि ये है कैसा, क्योंकि मैंने इसके यूट्यूब चैनल पे भी इसके बहुत रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी मैंने इसके फेसबुक पेजेस पे भी बहुत हाइप देखी। अब इसको हम खुद खाएंगे और इसका आपको जेन्युइन रिव्यू देंगे। मगर ये बात बहुत रियल है कि आज है संडे का दिन और चैलम है और यहाँ पर रश लगा पड़ा है, तो खाएँगे और चेक करते हैं भाई कि ऐसी चीज़ है क्या जो लोग दूर से खाने आ रहे हैं, और आपको बताते हैं, चेक करें। क्या सीन है आसिफ भाई? लेवल है भाई, सच में लेवल है। थोड़ा और खाना, फिर बता दूँ। आसिफ भाई मेरे लिए भी बचाइएगा। यार चावल के बहुत गुले हैं, मजे वाले हैं। ना मुंह में जाते ही घुल जाते जैसे। अच्छा। एक सिंपल चीज ना, ये देखो चावल का सिर्फ साइज है, वो लोकल चीज़ नहीं है भाई। मज़ा आ गया, मैं पहले खाता हूँ, बाद में रिव्यू दूंगा भाई आप लोगों को। मज़ा आ गया भाई। यार आप देख सकते हैं, और ये अगर हम लोग बिरयानी अगर ट्राई करने जा रहा हूँ। भाई बिरयानी पुलाव है यार। आगा भाई क्या हो गया आपको आज? यार इतना रश देख के क्या हो गया आपको आज? ट्राई करें और रिव्यू बताएं कैसा ये। सच में लेवल है, बहुत लेवल है भाई। भाई काम करो, आधा किलो अपने लिए, क्योंकि मैं ये पूरे खाने। अच्छा, इतना ज़्यादा पसंद आ गया, खा जाओगे ये सारा? अरे आराम से भाई, ये मेरी डाइटिंग है, ये मेरी डाइटिंग है। यार अभी चेक करें ये बॉडी, बिल्कुल रेशा रेशा हुई हुई है और लीवी है,
बिल्कुल मजे की हुई है, बिल्कुल मतलब जूसी टाइप की है। देखिए देखिए रेशा रेशा लग रहा है। अब सोचिए जब ये मेरे मुंह में जाएगी आगा के बगैर, आगा नहीं खाएगा और मैं खाऊंगा इसको, तो क्या मजे की लगेगी। क्यों जला रहे हैं आगा भाई, क्यों जला रहे हैं? सॉरी, ये जाएगा अभी मेरे मुँह में आपके बगैर। A few moments later. ये देखो गाइस, हमारे आगा भाई ने हाल का क्या हाल किया है। ये दूसरा है भाई, पहला नहीं दूसरा है पहला ही है। और मैं शॉट ले रहा था, आसिफ भाई ने खत्म कर दिया। ये आगा जो है ना आज फुल मूड में था, इतना पसंद आया इसको कि इसने दूसरा भी खत्म किया। ये दूसरा है, तीसरा बाइट है, ये दूसरा दाल है आगा का। आगा बस कर यार, फट जाएगा। मेरा पहला दाल है वो भी आपने किया। मैं तो कैमरा इस्तेमाल कर रहा था। क्या रहने दो आगा भाई, यहाँ के शॉप वाले से पूछ दो आगा ने कितना फोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम भाई, मोहम्मद इब्राहिम भाई यहाँ पर कितने टाइम से ये फ्लावर का रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मेरा भाई ये अल गोसिया पुलाव यमी पुलाव है, सलीम अत्तारी के नाम से। ठीक है, तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए इसको तकरीबन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये स्टार्टअप जब आपने लिया था, स्टार्ट लिया था तो किस तरीके से लिया था, क्या था? ये छोटा भाई सलीम अत्तारी, अच्छा, तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट लिया था। 5 किलो पुलाव। 5 किलो पुलाव जी भाई, कितने? अच्छा भाई, भाई के पास रश बहुत है भाई, हमें टाइम दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रश, ठीक है, और इस रश में भाई हमें इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 5 किलो से स्टार्ट लिया था, लोगों को जायका पसंद आया। अच्छा, एक एक करके लोग आते गए, पसंद आता गया, कंटिन्यू फिर लोगों ने आना शुरू हो गया। रोज़ाना भी आते हैं बहुत से लोग, जो रोज़ाना सुबह 10 बजे बोलते हैं हम नाश्ता तुम्हारे पुलाव से करते हैं। अच्छा, सुबह 10 बजे खुल जाता है? सुबह 10 बजे खुलता है, रात को 10 बजे तक। सुबह 10 से रात 10 तक। और हफ्ते में कितने दिन होता है सर ये? जुम्मे की छुट्टी करता हूँ, 6 दिन चलता है। सही, मतलब जुम्मे के दिन छुट्टी होती है, बाकी 6 दिन चलता ही है। सही सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा क्वालिटी के लिहाज से, कराची के लोग जो वैसे क्वालिटी के लिहाज से बड़ा वो करते हैं कि यार ये क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगा, कैसा होगा, इस बारे में कुछ बताएंगे? क्वालिटी के हिसाब से ऐसा है कि हर चीज़ हमारे सामने होती है। ये बात तो है कि आपके सामने पका रहे हैं मसाले, गोश्त, चावल, हर चीज़ हम पब्लिक के सामने इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कोई एक तरीके से ओपन किचन है, मतलब बिल्कुल सामने, ताकि लोग भी ये देख के बहुत सारे मुतमिन हो जाते हैं कि हाँ भाई ये हर चीज़ सामने हो रही है, तो इसलिए माशाल्लाह से लोग और इस वजह से आते हैं यार। यहाँ पर साफ सुथरी चीज़ है, भले से हम रोड पर बैठे हैं लेकिन हर चीज़ हमारी रेस्टोरेंट से अच्छी साफ सुथरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मुतमिन है सर, चीज़ें आपकी बिल्कुल रोड के सामने, बिल्कुल सामने पकड़ी है, चावल वो हर एक चीज़ हमारे सामने डल रही है। खैर, आपका पुलाव खाया बहुत मज़ेदार बना, ठीक है, मैं अपना बस जेन्युइन रिव्यू दूंगा खुद का, तो मैंने खाया और मुझे बहुत मज़ेदार लगा। खैर, इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें सर, लोगों से यही है कि आप आएँ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला पसंद सर। मैं खुद ट्राई करने के लिए इस वक्त गार्डन से आया हूँ और चेरम के ऐसे रस्ते काफ़ी बंद हैं, मैंने तो नहीं सोचा था कि इस वक्त खुला होगा और इस वक्त इतना रश हो, तो ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। इतवार के दिन असल में आज तो चेलम है। हाँ, देखा में रश, अगर आज चेलम नहीं होता तो फिर आपको अंदाज़ा होता है यहाँ कितना रश। अच्छा, मतलब इसका भी डबल रश होता है, बड़ी बड़ी बात है भाई, 70 वाली है। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो भाई हमने कर लिया पुलाव, यकीनी पुलाव, ठीक है। अच्छा, ये इसका रास्ता भी मैं आपको बताता चलूँ, ये मौजूद है इतवार बाज़ार, ये आपको दिख रहा है गाड़ियों का इतवार बाज़ार, गाड़ियों के इतवार बाज़ार से जो न्यू कराची पे, वहाँ से जब आप स्ट्रेट आते हैं तो इस सीधे हाथ पे आपको ये पुलाव का काट मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक टाइम ज़रूर आके ट्राई, खाली एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो है यहाँ का ओपन किचन, क्योंकि ये सामने पका रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएँ, KFC, मैकडॉनल्ड्स, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएँ, भाई आपके सामने कुछ नहीं पकता होता, आप इनके किचन में जाने की कोशिश करते हैं, भाई खाने की कोशिश करते हैं, सर हमें चेक करें, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उस क्वालिटी पे भी हम मुतमईन नहीं रहते। मेरे सामने बंदा है और मेरे सामने सर्व हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और जितने पैसों में 70 रुपीज़ की शायद इनकी प्लेट है, बहुत कम पैसों में ये दे रहे हैं भाई,
बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा ज़रूर आके एक बार ट्राई करें। और क्योंकि है थोड़ा थोड़ा दूर है, पर यह है कि यहाँ के लोग न्यू कराची में रहते हैं उनके लिए काफ़ी करीब है, मगर आए ज़रूर एक बार फैमिली के साथ आके ट्राई करें। मस्त ट्राई।